अब इसको सुकून नहीं आ रहा, खा नहीं रहे सुकून से कभी। अभी मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना, दोपहर के खाने से ड्राई हो गई जल्दी से, बस इनमें पैकिंग। हानिया फ्रेश होके आ गई है और इसको मैंने खाना दे दिया। जाते हैं हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में देखिए पांच रियाल में से दो रियाल मुनाफिक। अभी मैं ना यहाँ पर आई हूँ तमन्ना और कोना को गिफ्ट देने हैं मैंने। शाबाश, जल्दी से अपना खाना फिनिश करो मलाक, जल्दी करो। गुड गर्ल मम्मा की, जल्दी से फिनिश करो मलाक, शाबाश। अब इसको सुकून नहीं आ रहा, खा नहीं रहे सुकून से, कभी चेयर पे कभी ऊपर कभी नीचे। ये चल क्या रहा है मलाक आज आपके साथ? क्या चाहिए, पानी चाहिए? बस मलाको चले हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे सब लोग? कैसे कि आप सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज न करे, आमीन। तो यहीं से अपने ब्लॉग का आगाज करते हैं। हमारे दिन का आगाज कब से हो चुका है, तो बस घर में चल रही थी सफाइयाँ, बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था कल घर, क्योंकि बच्चों ने जो हल्ला गुल्ला किया कि चल रही थी गेम्स वगैरह, उसी दौरान जैसे पार्टी बम्पर्स हो गए। तो आज चले बाहर, चले ये पकड़ो, पकड़ लो, आ जाओ बाहर चलते हैं, आ जाओ ले आओ अपना कैमल भी ले करो। एक हाथ में इसको पकड़ना है, दूसरे हाथ में ये उठाना है। आ जाओ, शाबाश, चलो चलो चलो, ये पकड़ो, ये साथ लेके जाओ अपना, साथ लेके चलो अपना, शाबाश चलो। चलो जल्दी से पिला पेंगे। अभी मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आज दाल, और यहाँ पर मैंने प्याज कट किया हुआ, पानी बॉयल हो चुका है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें डाल देते हैं प्याज। दाल और प्याज के साथ साथ यहाँ पर मैं लाल मिर्च भी डालने लगी हूँ, नमक और थोड़ी सी हल्दी। बस दाल में मैं यही चीज़ें डालती हूँ, और बस लास्ट में जो तड़का लगता है और हरा धनिया डालते हैं, बस इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डालती दाल में, क्योंकि सिंपल दाल बनती है और ये बहुत मज़े की बनती है। लेकिन कभी कभी मैं टमाटर भी वैसे डाल के बनाती हूँ, लेकिन सच में ये वाली जो है ना ये बहुत मज़े की बनती है। इस वाली दाल से पुरानी वाइब्स आती हैं, जैसा कि आप नानी और दादी के घर जाके दाल खाते थे ना, बिल्कुल सेम वैसी बनती है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी बनाऊँ और ज़्यादा मसाले ऐड ना करूँ। दाल हमारी जब तक बनकर तैयार होती है प्रेशर कुकर में, तब तक मैंने ये देखें पतीला निकाल लिया और इसमें मैं बनाने लगी हूँ चावल, यानी आज बन रहा है हमारे दोपहर के खाने में दाल और चावल। कुछ ही देर तक खाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। चावलों को मैंने रख दिया दम पर और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अभी तड़का। दाल भी हमारी बनकर देखें तैयारी होने वाली है, बस तड़का लगाने की देर है। खाना अभी मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी जल्दी से बनाया क्योंकि हस्बैंड आ रहे थे मार्केट खजूर देने, तो मुझे कहा कि जल्दी से खाना बना दो, मुझे कहा भी कि दाल चावल बना दो, तो फिर इसलिए मैंने बना दिया। और बस थोड़ी देर के लिए अभी आए, थोड़ी देर वो रेस्ट करें जब तक मैं उनके लिए खाना पैक करती हूँ, क्योंकि खाना उन्होंने साथ ही लेकर जाना है। तो बस बन गया है, जल्दी जल्दी से पैक करते हैं और फिर देती हूँ उनको। यहाँ पर मैंने बनाई है प्याज और लेमन, वैसे घर पर ख़त्म हो गए थे, अच्छा हुआ कि लेमन लेके आए, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत थी लेमन की। प्याज मैं डालने थे गई, मैं फ्रिज में देखा तो थे ही नहीं, मैंने कहा जो पहले वाले पड़े ना पहले वो ख़त्म कर, लेकिन पहले वाले खत्म हो गए। तो चलिए ये हो गए, और यहाँ पर मैंने ये डब्बे धो के रखे थे, बस ये ड्राई हो गए जल्दी से, बस इनमें पैकिंग। क्योंकि मैं जब भी दाल चावल बनाती हूँ तो हस्बैंड को ये साथ में चाहिए होता है, तो इसलिए फिर मैंने ये बना लिया। चावल भी बनकर तैयार हो गए, इनको भी बस तवे डालने लगे। और यहाँ पर ये देखें दाल भी हमारी आ गई है डब्बे में, बस थोड़ी देर मैं इनको खुला रखती हूँ, थोड़ा सा ना ये ठंडे हो जाएं और फिर इनका ढक्कन बंद करते हैं। और ये देखें ये उठ के आ गया नींद से, और मैं अभी से कह रही हूँ कि जाओ फ्रेश हो के आओ। तो चलिए अब इनको मैं बंद करने लगी हूँ और ये काम हमारा हो गया। हानिया फ्रेश होके आ गई है और इसको मैंने खाना दे दिया, ये खाना खाने लगी है। और ये रहा हस्बैंड का खाना जो कि मैंने पैक कर लिया, बस रेडी है जाने के लिए, खाना भी तैयार है।
5 बजे हैं, अभी हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल लेकर, क्योंकि मुस्तफ़ा की तबीयत ठीक नहीं है कल से, इतना पेन है बहुत ज़्यादा। तो ये आ गया गाड़ी में, माँ को एक्साइट भी किया और मैं भी आ गई। बस अब जब से ये उठा तो मुझे कह रहा था कि मेरी फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर बस मेरे हस्बैंड को कॉल किया, ये आ गए। और रात को मैंने इसको ना हल्दी भी लगाई थी, ऐसे हो गई इसकी फिंगर देखिए, लेकिन बस इसको आराम नहीं आ रहा। तो बस अभी जाते हैं वहीं पर और देखते हैं कि क्या मसला हुआ मेरे इस बेचारे बच्चे के साथ। कल ये इतना खुश था, वैसे बार बार कह रही थी कि आप खुश हो। अच्छा, जब हम बर्थडे का प्लान बना रहे थे तो थोड़ा ये सैड सैड था कि मेरे दोस्त नहीं आ रहे, आप हमेशा आने से करते हैं, दावत करती हैं और सारे आते मेरे दोस्त के लिए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इस दफ़ा हम ऐसा प्लान करते हैं कि सारे बच्चे होंगे, आप बच्चों के साथ फुल इन्जॉय करो, कोई बड़ा नहीं होगा, जिससे आपको शर्म है, जिससे आपको झिझक हो। बस फिर इसलिए मैं खुश थी, मेरे कहा हानिया भी खुश है और मुस्तफ़ा दोनों खुश हैं, गेम्स खेल रहे थे बच्चों के साथ। और बस फिर ये कल ये हुआ है और आज इस बेचारे का रो रो के बुरा हाल है, इसी फिंगर की वजह से। नज़र लग गई मेरे लाल को, है ना? नहीं, कौन लगाएगा, सारे बच्चे थे, सारे बच्चे थे। बड़े नज़र लगाते हो सकते हैं, मेरी नज़र लग गई हो, पता नहीं होता मुस्तफ़ा, सच में नहीं पता होता ना, किसी बड़े की लग जाए या छोटे मुझे भी पर्दा करना होगा। नज़र को पता नहीं होता, किसी की नज़र भी लग जाती है, माँ की लग सकती है, बाप की लग सकती है, किसी की भी लग सकती है। चले अभी हम पहुंच गए हॉस्पिटल, बस इसको लेकर अब जल्दी जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है, इसका चेकअप करवाने, और अल्लाह करे कि बस वहाँ पर ज़्यादा हमें वेट ना करना पड़े। बस सच में ये बहुत रोया था। आपके टाइप की कोई चीज़ है यहाँ पे? कुछ नहीं, अभी दोबारा से नीचे जा रहे हैं, पहले हम नीचे थे, नीचे से फिर ऊपर भेजा, ऊपर से फिर अभी दोबारा हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे देखें समय नमाज की जगह है, लेडीज की होगी, पढ़ लूँ मैं यहीं पे। मिल गई। चले अभी हम आ गए हॉस्पिटल के बाहर, अलहमदुल्ला अभी मेडिसिन ले ली हमने, फार्मेसी भी हॉस्पिटल में ही थी, जा रहे हैं बस अपनी गाड़ी के पास, और ज़्यादा हमें टाइम वैसे लगा नहीं है। कुछ आराम है? हाँ, कुछ पड़ा फर्क, पेन कम हुआ है कुछ? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तैयार हो रहे हैं, कुरान पाक पढ़ने जा रहे हैं। हानिया ये पकड़ो अपना अबाया, भाई आपका ढूंढ के लेके आई हूँ मैं। ये नीचे कर ले, वजू किया था, ऊपर हो गई, बहुत हार्ड है। देखो ये मैं दो दुपट्टे लेकर आई हूँ, कौन सा पहनना है इन दोनों में से? ये ब्लू वाला, इसका मैच करते हैं। लेकिन वो मैच अच्छा नहीं लगेगा ना, ये सही लगेगा ग्रीन। और मला को आप ये क्या कर रही हो, कहाँ आप अबाया पहन के जा रही हो? देखो दुपट्टा भी नीचे गिरा दिया हानिया, दुपट्टा ऊपर कर उठाओ अपना, ये देखो पहन रही है अबाया, बस पहन लिया। मोना भी तैयार है, मोना भी इनके साथ जा रही है, ये कह रही मुझे भी अबाया पहनो और मैं भी साथ चलती हूँ। इसने अबाया पहना और इसने भी साथ जाना है, ये देखो। हाँ जी, ये देखिए ये पहले यहाँ पे आया था, ये अंदर चला गया, क्रीम में सब कुछ साफ कर दिया अंदर से। अच्छा। अभी बस थोड़ा सा और रह गया, ये देखिए ठीक हो जाएगा, अभी लगाती हूँ मैं फिर से, इसलिए लेके बैठे मामा लगाएंगी जी, मैं हाँ? सही है, ये पकड़ो। चलो हाँ, लेट हो रही हो, बस दुपट्टा पहनो आप, जल्दी करो, शाबाश। रियाल मिलेगा? रियाल नहीं मिलेगा, बस अब जाओ, रियाल नहीं मिलने वाला, ऐसे जाओ। देखो मलाक देख रही है, किसी को रियाल नहीं चाहिए, सिर्फ इसको रियाल चाहिए, को रियाल नहीं मिलेगा। उठा लिए बैग से पैसे जी, उठा लिए, रियाल उठा लिए, बस रियाल चाहिए जी, ठीक है। 5 रियाल ले जाइए, 2 रियाल मोना के, 2 रियाल मेरे। अच्छा आप सबको चाहिए, पूरा मसल बस हो गया, लग गया, बंद करो इसका ढक्कन, कहाँ है से 2 रियाल मुनाफी के, 2 रियाल इसके, बाकी पीछे बचा रियाल वो मेरा, मेरे भी 2 रियाल हो गए, ठीक है। उसे इसका ढक्कन दो मुझे, जल्दी करो, बंद करो इसको, इसे प्लीज पैसे निकाल रही है, इसे प्लीज संभाल लीजिएगा, पहले भी गुम हो गई थी, ठीक है। ओए मलाको ये क्या कर रही हो आप? हानिया लेकर जाना मलाको, ठीक है, अब जल्दी जाओ हानिया, चलो। अभी मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ी है, और नमाज पढ़ते दौरान देखें अपनी चेयर भी यहाँ पर लेकर आ गई, चेयर इसने पहले यहाँ पे रखी है, और फिर जाए नमाज मुझसे ले लिए और यहीं पर अपना ब्लैंकेट लेकर आ गई, लो वहाँ से उठा के सो गई। यहीं पे अच्छा लगता है आपको सोना?
ये सारी मलाक की चीजें मलाक अब्बू को दिखाने के लिए आई है। देखो अच्छा ये स्पर्श की चेन है ना, ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। मामा स्पर्श की चेन को ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। आगे बस ये मलाक का गिफ्ट है। मेरा भी ऐसा सेम है। दिखा दे सही। ओए होए मेरी एक पिने। एक पिने तो मुझे दे दे। नहीं मैं ना कहूँ। नहीं यार। अच्छा एक ही देखो। नहीं 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 लगेगी। नहीं अच्छा चलो। और ये साथ में ये एक मिनट मलाक बस दिखा दिया आपने। हाँ क्या नहीं मिल रहा आपको? अब इसकी चीजें भी वहां लगी अलग अलग। अरे खा मैं डिजाइन में लगी तो अरे इधर इधर लगा दे अच्छा लगेगा। इधर लगा दे फिर मैं तस्वीर खींचाऊंगा। पासपोर्ट बनवाना है मैंने। पासपोर्ट से अच्छी तस्वीर आएगी। अब दे दे लगा ले अब दे दे। ये पिन्ने हैं मेरे। ये साथ में शीशा है। साथ में ये और पिन्ने। चलो आने ये पकड़ो ये चाय आराम से लेकर जाओ। अब्बू को देगा आराम से ठीक है। चलो आगे चलो आगे चलो फिर देती हूँ आज। बस अब ले जाओगी। चलो मेरे ख्याल से नो मेरे ख्याल से हाँ चलो लेकर जाओ। चाचू वालों को चाय ले ली है तो मन्ना ने भी अपनी चाय ले ली है और मैंने भी अपनी चाय ले ली है। आज कल ना मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। एक दिन ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हूँ और फिर दूसरे दिन फिर जब उठती हूँ नींद से तो फिर ऐसा लगता है कि तबीयत बिल्कुल फुल डाउन है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि तकरीबन सब लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ हमारे घर में बीमार हो रहे हैं। पता नहीं खैर मेडिसिन भी ले रही हूँ उसके बावजूद भी इसी दौरान तबीयत खराब के दौरान सर्दी भी लगती है। सर्दी लगती है तो फिर चाय गर्म नहीं लगती तो फिर आराम से सुकून से मैं चाय पी लेती हूँ। फिर चाय पीती हूँ ना जब तक तो फिर कुछ बेहतर भी महसूस करती हूँ कि हाँ तबीयत कुछ ठीक हो गई है। एक दे दो हानिया मलाक को। मैंने सारे लगा एक दे दो ना प्लीज एक दे दो मेरी बच्ची को एक दे दो बस। चलो चलो दो जल्दी से दो शाबाश। कब से वो मांग रही है आपसे? अब पहनना ही नहीं चाहती। आ जाओ मलाक अच्छा अभी मैं ना यहाँ पर आई हूँ तमन्ना और कोना को गिफ्ट देने हैं मैंने जो कि कब से मैंने इनके लेके रखे हुए हैं और अभी तक मैंने इनको दिखाए नहीं है। दोनों ने चैलेंज किया था मैंने अभी इनको बुलाया मैंने कहा आ जाओ मैं गिफ्ट देती हूँ। ये कह रहे हैं कौन से गिफ्ट इन्हें पता ही नहीं है कि मैंने ले लिए थे और मैंने आके छुपा के रख दिए थे। मैंने कहा इनको मैं सरप्राइज दूंगी कोई। मेरा ऐसा था कि हम कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ पर जा कर दूंगी तो खैर वो बस मेरे हस्बैंड की मसरूफियत की वजह से नहीं हो पाया। मैंने कहा कि इन्हें दे ही देती हूँ ताकि ये खुश हो जाए। तो बताया था मैंने आप सबको क्या लिया है। मैंने यहाँ पर जो है ना एक है तमन्ना का वो मैंने तमन्ना के हिसाब से लिया था जैसे तमन्ना को पसंद है और यहाँ पर है मोना का मैंने मोना के हिसाब से लिया था जैसा कि मोना को पसंद है। तो पहले पहले हम खोलते हैं तमन्ना का ठीक है। मलाक चलो ओपन करो आप खोलो इसको खोलो। कहाँ से खुलता है? हाँ यहाँ से खुलता है। हाँ ये देखो यहाँ पर है आप ही की वॉच। अच्छा ये देखें ये मैंने लिए तमन्ना की। तमन्ना को इस टाइप की पसंद है आपके लिए ली थी देखो ऐसी पसंद है ना आपको। थैंक यू वेलकम। क्या कह रही हो आप? मेरी आंखें बंद करके बैठी हो और यहाँ पे मलाको हमें तंग कर रही है। मलाको को भी चाहिए गिफ्ट। तमन्ना तो अभी अपना पहन के देख रही है। अच्छा खैर अभी ना मैं आप सबको दिखा रही हूँ मोना का। मोना को किस टाइप की पसंद है देखिए। मोना को इस टाइप की पसंद है तो मैंने ये मोना के पसंद के हिसाब से लिए। तो बस अभी इसको देते हैं मोना को देखे तो ये कैसी लगती है। चलो मोना ये पकड़ो आंखें खोलो और देखो। और बाकी तुम्हें ऐसी पसंद है जैसे मैं लेकर आई पहन के देखो। ये बहुत प्यारी है। ओपन करो और इसको पहन के देखो और दिखाओ कैसी लगती है आपके हाथ में। दिखाओ तमन्ना आप देखो आपने उतार ली पहन के देख ली। माशाल्लाह प्यारी लग रही है तमन्ना आपके हाथ में बहुत खूबसूरत लग रही है सच में। मैंने कहा इस टाइप की तमन्ना को पसंद है तो मैंने उसी हिसाब से ली थी। वो कह रही मुझे पहनो पहनाओ थोड़ी देर। अरे वाह ये है मोना की अच्छी लगी है ना आपको। ये है मलाक की और ये मेरी मलाको की। मलाक खुश हो आप। चलो दे दो। पहले जब आप इन्हें पैक कर रही थी ना इस बॉक्स में गिफ्ट वाले में तो हानिया मैंने शायद ना देख ली
हानिया कहती है तुम्हारी तो बहुत गंदी अच्छी नहीं है, तमन्ना कैसे? फिर हानिया कहती है कि मम्मा आप कुछ टाइम प्यारी थी ना, क्या इनकी दोनों की जो गोल्ड गोल्ड थी? मम्मा कहती है हाँ, कहती है मुझे आप नकली गोल्ड की चीजें आपने लेकर दी है और मुझे हमेशा नकली चीजें लेकर दे देती है आपने, कुछ कर देती है गोल्ड की वॉच दे दी, गोल्ड की वॉच मिल गई है ना, कहीं से नकली लग रही है। अच्छा ये बात बाकी इसने मुझे आके कही, मैंने भी सुना था। हाँ मुझे कह रही है कि आप हमेशा आप उनके लिए अच्छी चीजें, मैं अच्छी चीजें हो रही है कि गोल्ड की मुझे भाई ये गोल्ड की हानिया ये तो हर वक्त रोने लग जाती है, नहीं है गोल्ड की। बस उसका मूड खराब हो गया, क्यों बोला मोना आपने, चलो अब इसका मूड ठीक करो। बस हमारे आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी खूबसूरत दुआ में हमें याद रखें, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। हाँ अगर हमारी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी बर्थडे टू माय डियर मलाल।